पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाई गई। उसी क्रम में जबलपुर में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रविदास समाज के द्वारा किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। समाज के लोगों ने बताया कि रविदास जी हमारे प्रेरणा थे, उन्होंने हमें सही रास्ते में चलना सिखाया था। हम ऐसे अपने गुरु को नमन करते हैं और उन्हीं की जयंती के अवसर पर जबलपुर लगभग 100 झांकियां रखी गई थी, आज शोभा यात्रा में निकाली जा रही है, जो पूरा शहर का भ्रमण करेगी। श्री गुरु रविदास महाराज की 647वीं जयंती के अवसर पर हम सभी नगरवासियों शहरवासियों को लख लख बधाइयाँ शुभकामनाएं देते हैं। और ये आश्रम हमारे भांदरी आश्रम से शोभा यात्रा अपने अम्बेडकर तक चौक तक पहुंची है, और अम्बेडकर चौक से हमारे ग्वारी घाट आश्रम के नेतृत्व में यहां से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और यह हमारी शोभा यात्रा अभी मालवी चौक होते हुए यह ग्वारी घाट में जाके समापन होगा, और वहां से हमारे गोरखपुर से आए हुए संत उनके हम लोग प्रवचन सुनेंगे। और हमारे का उद्देश्य है गुरु रविदास की जयंती मनाने का, इस देश में समानता हो, बराबरी हो, लोगों को अधिकार हो, और आने वाले समय में इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है। जब तक लोगों में समानता नहीं होगी, बराबरी नहीं होगा, देश सोने की चिड़िया नहीं बन सकता। महाशक्ति कभी बनना है तो इस देश में समानता होगी, बराबरी होगी, जब ही बनेगा। इसी प्रकार से गुरु रविदास ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में सभी को मिले अन्न, छोटा बड़ा सुखी रहे, रविदास रहे प्रसन्न। इन्हीं विचारधाराओं को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बालकिशन चौधरी, बांदे रविदास आश्रम। समस्त नगरवासियों को गुरु रविदास जी के पर्व पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अम्बेडकर चौक से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जो क्षेत्रीय समितियों द्वारा मूर्ति स्थापित की जाती है गुरु रविदास जी की, यहाँ पे एकत्रित होके बाजे गाजे के साथ धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हुए गुरु जी का क्या संदेश देते हुए, गुरु जी ने जो मानवता के बारे में जो बताया है, पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में हमारे नज़र में ये हैं, और इन्होंने जो संदेश दिया, ऐसा चाहूँ राज में मिले शवन को अन्य छोड़ बड़े सब संबसे गुरु रविदास रहे प्रसन्न। तो इन्होंने जो संदेश दिया है, ऐसा विश्व में किसी भी गुरु ने नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमारे जो नगर में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, लाखों की तादाद में गुरु भंडारा हमने गुरु रविदास धाम में रखा हुआ है, वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे हो रहे हैं। वहाँ पे जो हमारे जिन्होंने समाज के लिए, समाज उत्थान के लिए अच्छे कार्य किए हुए हैं, जो उन्होंने एजुकेशन में अच्छा किया उनको भी सम्मानित करने का हम लोगों ने काम वहाँ पे रखा हुआ है, और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनके द्वारा भी जो है उद्बोधन वहाँ पे रखा हुआ है। और आज जो है मैं सभी शहरवासियों से और जितने भी सामाजिक हमारे बंधु हैं उन सभी से यही विनम्रता के साथ अपील करूँगा कि वहाँ पर माथा टेकने जरूर जाएँ। लाखों की तादाद में आज पहुँच रहे हैं, उनका गुरु प्रसाद लें और वहाँ पर आशीर्वाद लें। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। यमेश चौधरी। ये शोभा यात्रा गुरु रविदास धाम ग्वारी घाट के नेतृत्व में निकाली जा रही है। जबलपुर में लगभग 100 झांकियां रखी गई थी, प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी ग्वारी घाट रविदास धाम के नेतृत्व में जुलूस निकाला जा रहा है, जो पूरे जबलपुर शहर का भ्रमण करते हुए गुरु रविदास धाम में संपन्न होगा। गुरु रविदास धाम में डॉक्टर हरिशरण शास्त्री जी जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है, साथ ही रामजन साहब जी, केपी गंगोरे साहब जी, समाज के करीब 2 से 3 लाख लोग इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं, और ग्वारी घाट रविदास धाम में करीब 2 लाख से अधिक लोगों का जो है भंडारे का आयोजन है। संत रविदास जी ने संदेश दिया है कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सभी को अन्न, छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। हम लोग रविदास जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास। ये जो जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में दमोनाका, रांझी, कजरवारा, घमापुर, बाबा टोला सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, और ये जुलूस जो है ग्वारी घाट रविदास धाम जा रहा है। अरविंद कुमार चौधरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष।